मैंने उसको जब भी देखा लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, गोली जैसा चलते देखा। निखिल केदारनाथ अग्रवाल जी की ये कविता बिल्कुल सटीक बैठती है हमारे गुड न्यूज़ इंडिया के उन नायकों पर जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तमाम विघ्नों को पार पाते हुए भी वो समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि विघ्नों से दूर जाकर, विघ्नों से पार पाकर और कुछ परिवर्तन करने का नाम ही गुड न्यूज़ इंडिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज़ इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगार। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे खास नायकों से जो छोटे छोटे बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। समय विषम है, डगर कठिन है, जाना उस पार है, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, नई डगर तैयार है। आइए चलते हैं नई डगर पे। आपने पर्यावरण संरक्षण का एक और सबसे ज्यादा कारगर तरीका है वो है वृक्षारोपण। अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। और ऐसा ही एक काम हो रहा है महाराष्ट्र में, जहां पर एएस नाथन नाम के एक व्यक्ति ने एक वृक्ष एक छात्र अभियान चलाया और एक दिन में 1,80,000 पौधे लगाए। बिल्कुल, देखिए हमारी खास खबर अकोला से। वृक्षारोपण हरियाली फैलाने का और पर्यावरण संरक्षण का सबसे आसान और कारगर तरीका है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक नई और अनूठी पहल वन स्टूडेंट वन ट्री लागू की गई है, जिसमें एक दिन में 1,80,000 छात्रों ने एक साथ 1,80,000 वृक्ष लगाए हैं। हमारे सारे स्कूल्स के बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी दी है। ये हम उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनका विकास हो, उनका सर्वांतिक विकास हो, जिसमें बच्चे जिम्मेदारी लेंगे कि वो उस पेड़ को जगाएंगे, उस पेड़ का की सुरक्षा करेंगे। और ये बच्चों का एक लाइफ स्किल डेवलपमेंट है। स्कूल की सुरक्षा होगी क्योंकि ये बाउंड्रीज पे ये पेड़ लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ हमारे पूरे समाज में जो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट जो हम कहते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट भी हमारा कम होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ेगा और एक स्कूल में एक अच्छा वातावरण बच्चों को मिलेगा, जिससे उनकी पूरे शिक्षण पे भी एक अच्छा मतलब इम्पैक्ट दिखेगा हम सब। ये अभियान 33 करोड़ पेड़ लगाने के महाराष्ट्र सरकार के कार्यक्रम का भी हिस्सा है। वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान सरकारी, अर्ध सरकारी और जिला परिषद स्कूलों में लागू किया जा रहा है। ये अभियान पर्यावरण वृक्षारोपण और जल संरक्षण के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नतीजा ये है कि जिले के हर स्कूल ने अपने हर छात्र के लिए एक पेड़ लगाया है और छात्रों ने इस पेड़ के संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली है। एक विद्यार्थी एक वृक्ष, ये भी उपक्रम अकोला में जो पैटर्न किया उसको मैं फ्रेश ऑर्डर अकोला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अपना सीओ सर से फ्रेश ऑर्डर निकाला, उसमें गाइडलाइंस पूरा बनाया और उसको यहाँ से ये शुरुआत करके ये गाइडलाइंस को लेके और पूरा महाराष्ट्र में इसको इम्प्लीमेंट करना करके मैं एक फास्ट ट्रैक में काम किया। कैसा, अगर मैं एक एक जिला में जाना है तो मेरे को टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 महीना लग जाएगा मैं पूरा सब जिला जाने के लिए, और उनको भी टाइम देना पड़ता। मैं हर एक कमिश्नर साहब से मिलने गया, हर एक विभाग में कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से मिला, उनको मैं ये इस तरह गाइडलाइंस और ये सब सबमिट किया, ये इस तरह सर्कुलर सब जिला में पास होना चाहिए सर, इसके लिए मेरे को 1 रुपया कुछ भी नहीं चाहिए। ये आदेश अगर पास हो गया तो एक एक स्टूडेंट एक झाड़ लगाएंगे तो ये अच्छा काम हो सकता और ये भावनिक रूप से जुड़ के ये झाड़ लग रहा है और करोड़ों झाड़ पैदा हो सकता। ये मुहिम आज एक अभियान का रूप ले चुकी है और उसका श्रेय जाता है पर्यावरण प्रेमी एएस नाथन को। इनकी अथक कोशिशों से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ है। ये मानते हैं कि वृक्ष भगवान का रूप है। उनका मानना है कि अगर वे खुद अकोला जिले में घर बनाए बिना रह सकते हैं और स्कूल में रहकर सिर्फ ग्रीन मिशन को संभव बना सकते हैं, तो महाराष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस मिशन की दिशा में काम करना संभव है। वन महोत्सव हम 5 जुलाई को वैसे मनाते हैं, बट अकोला में जरा बारिश देर से होती है, तो वन महोत्सव के साथ साथ ये जो क्रांति दिवस का जो भी हम साजरा करेंगे वो हम इस पेड़ का हैप्पी बर्थडे करके करेंगे, और पेड़ के हैप्पी बर्थडे के साथ साथ पेड़ को एक भाई भी देंगे, बहन भी देंगे और एक एक और पेड़ लगाएंगे उसके साथ साथ, तो एक अच्छी क्रांति लगेगी। अगर एक बच्चा एक स्कूल में 10 या 12 साल पढ़ता है तो उसके 12 पेड़ उस स्कूल में लगे रहेंगे, और उसमें अगर 50% भी जग जाते हैं तो 6-6 पेड़ एक बच्चा उस स्कूल में छोड़ के जाएगा। इसके लिए सबसे पहले नाथन लोगों को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में शिक्षित करते हैं।
और फिर वन स्टूडेंट वन ट्री के अनूठी अवधारणा के साथ वे छात्रों को उस पौधे की जिम्मेदारी के लिए प्रेरित करते हैं। नाथन का मकसद है कि लोग ग्रीन मिशन के बारे में समझे। वे चाहते हैं कि सभी इस मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी मिलजुल कर आगे बढ़ सकें।